नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त यूके इंडियन 1985 आप लोगों के लिए लेके आ रखा हूं एक गजब का ट्रिक। YT स्टूडियो में सिर्फ ये दो तीन चेंज करने के बाद आपके वीडियोस हो जाएंगे लगातार वायरल, एकदम टॉप क्लास लेवल पर। अब आप कहेंगे ये कोई सपना तो नहीं, ये कहीं कोई मजाक तो नहीं। नहीं दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने जब इसे फॉलो किया है, मैंने जब इसे अप्लाई किया है, उसी के बाद आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं मजाक तो नहीं कर रहा, तो आप लोग भी इस सेटिंग को करके देखिए YT स्टूडियो में। डेफिनेटली आपकी वीडियोस में भी 100 से 1000, 1000 से 2000 और 2000 से 5000 तक व्यू काउंट पर डे के हिसाब से आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन करना क्या होगा? करना सिर्फ YT स्टूडियो की मात्र दो चार सेटिंग ऐसी हैं जिनको आपको गौर से सुनना है और ध्यान से देखना है। उसके बाद आपकी वीडियोस पर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर और व्यू काउंट ये सब हवा की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। तूफान आपकी सब्सक्रिप्शन और आपकी व्यू काउंट्स, आपके शेयर काउंट, आपके फॉलो काउंट, आपके लाइक काउंट्स पर एकदम से तूफान ले आएंगे ये सेटिंग अगर आपने की तो। लेकिन होता क्या है दोस्तों, गौर से देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त यूके इंडियन 1985 आपके लिए ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अक्सर YouTube स्टूडियो में ये सेटिंग कर लो, इसमें ये सेटिंग कर लो, इसमें वो सेटिंग कर लो करके हमें ऐसा बताया जाता है YouTube के प्लेटफॉर्म पर होता क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। अभी आज का एक वीडियो में देख रहा था जिसमें कि ये बताया गया कि YouTube पर अगर ये चार सेटिंग अगर आप कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कौन सी चार सेटिंग है वो, दो चार सेटिंग जो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं YT स्टूडियो में आपको खोलने जा रहा हूं। ये मेरे एक चैनल है जिसका मैं आपको ओपन कर रहा हूं, ये मेन चैनल, और उसके बाद में कंटेंट में गया। कंटेंट में मुझे अब जाना है, ये जो 3 डॉट यहाँ पे हैं, ये डॉट के ऊपर जब हम जाते हैं तो इसमें पहले करना है हमने मोस्ट व्यू की जगह, हमने मोस्ट रिसेंट की जगह डिफॉल्ट जो लिखा है उसको नहीं करके यहाँ पे हमने मोस्ट व्यू कर देना है। उसके बाद विजिबिलिटी में पब्लिक कर देना है। उसके बाद व्यूज़ में मोर देन और लेस देन लिखा है तो मोर देन को हमने करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर व्यू काउंट दिखने कितने देने हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जितना व्यू एंटर नंबर ऑफ व्यूज़ आप पूछना चाहते हैं, कितने व्यूज़ अगर आपको चाहिए तो ये आपसे पूछता है, तो कम से कम मैं इसमें 1000 व्यूज़ डाल देता हूँ, सॉरी 10000 हो गया, ये 1000 व्यूज़ मैं इसमें डाल रहा हूँ। उसके बाद ये हमें सेट करना है कि ये मेड फॉर किड्स है, सेट टू मेड फॉर किड्स है बाई यूट्यूब है या नॉट मेड फॉर किड्स है। इसको हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, नॉट मेड फॉर किड्स। वीडियो कंटेंट क्लिप इसको भी करना जरूरी है ताकि हमारी वीडियोस पर ये क्लिप कोई भी अगर हमारी यूज करके वीडियो बनाना चाहे तो बनाया जाए। उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अब ये जो यहाँ पे फिर 3 डॉट आते हैं, इसमें हम फिर से जाएंगे, इसमें हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे और ये हमारा हो चुका है, मोर देन हो गया, ये सब हो चुका है। इसके बाद अब हम वन मिनट होल्ड कीजिएगा, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। हाँ, ये अब हम कमेंट सेक्शन में गए, कमेंट सेक्शन में हमें यहाँ जाना है। उसके बाद कमेंट्स में टाइप, कमेंट टाइप में पब्लिश जो लिखना है, और उसके बाद रिस्पॉन्स स्टेटस में आई हैव रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स विद रिप्लाइज ये रखना है हमने। कंटेंट क्वेश्चन पब्लिक सब्सक्राइबर, ये पब्लिक सब्सक्राइबर करना है हमने, कीवर्ड्स में सर्च करना है जो। सब्सक्राइब काउंट हमें कितना चाहिए, 100 सब्सक्राइब काउंट, 1K सब्सक्राइब काउंट, 10K। तो अब मेरे पास तो अभी 419 ही हैं इस चैनल पर, तो मैं इसमें 1K सब्सक्राइबर काउंट डालूंगा और इसको फिर अप्लाई कर दूंगा। तो इसके बाद हम अब इसमें देखते हैं कि कितना व्यू काउंट बढ़ता है। एनालिटिक्स में जाते हैं और देखिए मेरा व्यू काउंट तो कुछ भी नहीं बढ़ा। ये सेटिंग आज ही मैं देख रहा था कि किसी ने मेरे को बताया था, किसी ने मुझे बताया था कि मतलब YouTube का कोई होता क्रिएटर जिसके उसमें ये बताया जा रहा था, तो मैंने उसमें से ये देखा और मैंने देखा कि जब मैंने ये सब किया तो कोई चेंजेस नहीं आए, कोई खास चेंजेस मेरे वीडियोज़ पर नहीं आए। जैसा कि आपको मैंने अभी इसमें वीडियोस में दिखाया अपने YouTube स्टूडियो को खोल के, आपने देखा होगा कि मेरा व्यू काउंट कितना बढ़ा। हालांकि मेरे वो व्यू काउंट 1000 मुझे सब वो व्यूज आए थे वो पहले के थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये सब गोरख धंधा है अपनी वीडियोस को हिट कराने का, अपने वीडियोस को आगे बढ़ाने का, अपने वीडियोस को हैक उसमें अपडेट कराने का और YouTube के एल्गोरिथम को हैक करने का एक तरीका है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी वीडियो चलेगी तो आपकी YouTube स्टूडियो में सारी डिटेल आ जाती है कि आपकी वीडियो कितनी देर चली, कितने उसमें व्यूज आए, कितने उसमें लाइक आए, कितने उसमें फॉलोअर्स आपको मिले, मतलब सब्सक्राइबर आपको मिले और कितना आपने अर्निंग की, ये सब YouTube स्टूडियो में बता दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमें कई ऐसे नौसिखिए कलाकार कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि नौसिखिए जो चंद रुपयों के लालच में हमें भटकाने का काम करते हैं या यूट्यूब की दुनिया में हलचल मचाने की बात कहकर हमको बहकाने का काम करते हैं ताकि हम उनको वीडियोस, उनकी वीडियोस को हम ज्यादा से ज्यादा देखें, तो वो सब करके ना ये केवल अपना धंधा सेट करते हैं, अपनी वीडियोस को हिट करते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग अपने कंटेंट पे काम कीजिए, आपका कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी वीडियोस बढ़िया क्वालिटीज की होनी चाहिए। अगर आपके वीडियोस में क्वालिटीज अच्छी है, आवाज अच्छी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, HD क्वालिटी की आप वीडियो दे रहे हैं और आपका कंटेंट अच्छा है, तो डेफिनेटली आप अच्छा ग्रो करेंगे। और YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये कोई पक्षपात नहीं करता,
सबसे बड़ी बात है कि ये कोई पक्षपात नहीं करता, ये किसी के चेहरे को देख के काम नहीं करता, ये करता है काम आपके कंटेंट को देखकर, आपके कंटेंट की क्वालिटी को देखकर, और थोड़ा बहुत जो काम होता है वो होता है पब्लिक के डिमांड के ऊपर। अब पब्लिक में अभी देखो एक करण करके एक लड़का है, दोनों मियां बीवी और बच्चे के साथ वीडियोस बनाते हैं और मार्केट में जाते हुए, और बहुत हिट हुए हैं, 9 मिलियन फॉलोअर हैं उनके अभी यूट्यूब पे। तो उनका मैंने वीडियो, उनकी मैं जब हिस्ट्री देखी तो उनमें मुझे लगा कि सचमुच लोग कुछ नहीं देख रहे, लोग उसकी गरीबी को देख रहे हैं, उसका आसपास का माहौल देख रहे हैं, और वो किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं उस चीज़ को देख रहे हैं, और इसी हिसाब से उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके देखो देखते देखते 9 मिलियन से ऊपर फॉलोअर हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो प्रॉपर काम कीजिए, अपना कंटेंट बनाइए, अपना वीडियोस बनाइए, उनको गुड क्वालिटी का बनाइए, उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी भी तरह की बहकाने वाली वीडियो में अपना टाइम खर्च करके, अगर आप अपना आधा घंटा पौना घंटा या 10-15 मिनट जो भी लगाते हैं उसको खर्च करके, अगर आप किसी की वीडियो देखकर उसका व्यू काउंट बढ़ा के उसको पैसा दिला रहे हैं और खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसी बहकाने वाली वीडियो जो कि नौशिखिए जो बना देते हैं, देखिए कुछ अच्छे वीडियो क्रिएटर हैं जो कि जैसे शिवम मलिक है, वो अच्छा वीडियो क्रिएटर है, मुझे उसका वीडियोज अच्छी लगती है, बहुत इंस्पिरेशनल वीडियो बनाते हैं, तो मैं ए टू जेड करके एक चैनल है जो अच्छी वीडियोज बनाते हैं, और कई सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो अच्छी वीडियोज बनाते हैं, उनकी वीडियोज देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि ये सब चीजें देख के अपने व्यू काउंट बढ़ाने के लिए, अपना वॉच आवर बढ़ाने के लिए लोगों ने आजकल नया धंधा सीख लिया, और लोग इस तरह की वीडियो बना के यूट्यूब में ये सीखिए, यूट्यूब में ये ऐसे करके आपके वीडियो व्यूज बढ़ेंगे, या ये ऐसे करके आपके सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, ऐसा करके आपको बरगराने वाली वीडियोज ज्यादा बनने लगी हैं। तो उन सब वीडियोज को नजरअंदाज कीजिए, अपने कंटेंट पर, अपने काम पर फोकस कीजिए, आपको डेफिनेटली यूट्यूब की दुनिया में तरक्की मिलेगी। बाकी आप सभी समझदार हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त यूके इंडियन 1985 आप लोगों के साथ यूं ही बना रहूंगा। जय हिंद।